कारगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे होने पर करनाल के गांव फुलरक के स्टेडियम में युवा क्लब के सदस्यों ने पौधारोपण किया। इस मौके पर युवाओं ने स्टेडियम को हरा भरा करने का संकल्प लिया। युवाओं ने शहीदों को नमन किया व श्रद्धांजलि स्वरूप खेल के मैदान को हरा भरा करने का बीड़ा उठाया। इस मौके पर युवा अमन पानू ने कहा कि शहीदों के बलिदान को याद रखने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्रत्येक नागरिक को कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। इस पौधे का पालन पोषण करने का संकल्प भी लेना चाहिए। वहां उपस्थित युवाओं ने बताया कि 21 साल पहले कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई में भारत माता के सैकड़ों जवान शहीद हो गए थे, जिनकी शहादत को आज पूरा देश याद कर रहा है। उनको नमन करने के लिए करनाल के गांव फुलरक के स्टेडियम में युवा क्लब के युवाओं ने पौधारोपण किया। देश के बहादुर जवानों ने मौत को सामने पाकर भी जिस हौसले के साथ युद्ध लड़ा वह वाकई काबिले तारीफ था। हम सब उन सैनिकों को नमन करते हैं जिन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया और भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण नुछावर कर दिए। आज गांव फुरलक में आज फुरलक युवा क्लब की टीम द्वारा आज स्टेडियम में पौधारोपण किया जा रहा है, जिसको आज हम 26 तारीख को जो हमारे भारत के वीर जाबाज सैनिकों ने कारगिल की चोटी पर तिरंगा लहराया था, और इस दिवस को पूरे देश में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको लेकर आज फुरलक के युवा क्लब की टीम और उनके साथियों ने मिलकर आज फुरलक गांव के स्टेडियम में पौधारोपण किया जा रहा है, जिसको लेकर आज इस विजय दिवस पर हम एक तरफ पर्यावरण का संदेश दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम आज अपने शहीद वीर जाबाज सैनिकों को आज हम श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें नमन करते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।